हाय फ्रेंड्स, आप सबके साथ में टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो ये टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा। सारे काम के टिप्स हैं, आपके पैसे भी बचत होंगे और समय भी बचत होंगे। तो देखिए मैं क्या यूज कर रही हूँ। तो अगर आपको नेल पेंट करना है, तो अगर आधा अधूरा नेल पेंट आपके नेल में लगा हुआ है तो उसको आप किस तरह से छुड़ा सकते हैं। अगर आपके घर में नेल पेंट रिमूवर नहीं है, कभी कभी होता है कि नहीं है, और मेरे को आधा अधूरा नेल पेंट अगर नेल में लगा हुआ है उसको रिमूव करना है तो किस तरह कीजिएगा। तो सैनिटाइज़र तो सभी के घरों में रहता है, तो कोई भी सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो रुई में मैं सैनिटाइज़र ले ली, ये डिटॉल वाला है, तो इसमें थोड़ा सा रुई में लगा लिए हैं और इसको रिमूव कर रही हूँ। देखिए बहुत आसानी से ये नेल पेंट निकल जाएगा। फिर उसके बाद में नेल पेंट लगा लूँगी। तो इस तरह से जुगाड़ आप कर सकते हैं, क्योंकि नेल पेंट आपको लगाना है। अगर नेल रिमूवर आपके घर में नहीं है तो आप सैनिटाइज़र से इसको निकाल सकते हैं, उसके बाद आप नेल पेंट लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए पूरी तरह से निकल गया है। तो बहुत अच्छा ये टिप है, आप ज़रूर से इसको फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं सोची कि आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ये तो अच्छा टिप्स है, तो आपको ज़रूर पसंद आ जाएगा। इसके बाद फिर मैं सारे नेल पेंट को रिमूव कर लूँगी, उसके बाद फिर नेल पेंट लगा लूँगी। तो चलती हूँ अगले टिप की तरफ। तो देखिए आपको अगर चटनी खाने का मन है, अगर आपके घर में सॉस नहीं है, अगर पराठा या इडली में खाना है और सॉस नहीं है, या तो आपको चटनी खाने का मन है, कभी कभी होता है कि सॉस टमेटो सॉस नहीं रहता है घर में, तो देखिए ये कोकोनट बुरादा है। तो कोकोनट बुरादा तो कोई भी दुकान में आराम से मिल जाता है, कोई भी शॉप में। तो देखिए 4-5 चम्मच कोकोनट बुरादा ले लिए हैं, और इसमें एक हरा मिर्च ले लिए हैं, और इसमें मैंगो का पिकल्स ले लिए हैं थोड़ा सा, और 4-5 कली लहसुन है, और नमक दे दिए हैं टेस्ट अकॉर्डिंग। हरा मिर्च, लहसुन, मैंगो का पिकल्स, आपको नींबू मन है तो नींबू भी डाल सकते हैं इसमें। और देखिए चटनी बन के रेडी हो गया है। ये चटनी मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। आप इसको इडली के साथ ये चटनी खा सकते हैं, डोसे के साथ भी खा सकते हैं। तो ये चटनी झटपट बन के 2 मिनट में रेडी हो जाता है। तो देखिए आलू के पराठे के भी साथ खा सकते हैं, दाल के पूरी साथ भी अच्छा लगता है। तो ये चटनी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, कोकोनट का बहुत जल्दी भी बन के रेडी हो गया, कम समय में और कम इसमें इंग्रेडिएंट भी लगा। तो देखिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अगले टिप की तरफ। चलिए अब क्या शेयर कर रही हूँ, तो प्रेस कर रही हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, प्रेस तो सभी को करने के लिए आता है। तो आप बिजली बिल किस तरह बचत कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान है सारे तो बिजली से ही चलते हैं, बिजली बिल तो बहुत ज़्यादा आता है सभी के घरों में, तो आप बचत कर सकते हैं। तो देखिए ये बेटी का यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो 2-3 तो रहते ही हैं, फिर भी इसको बाहर में प्रेस करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो डेली का उसको काम है। बाहर में जो भी कपड़ा रहता है बड़ा दे देती हूँ प्रेस करने के लिए, लेकिन घर में आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का कपड़े तो फिर प्रेस करने देंगे तो वो तो जल्दी आएगा नहीं, कम से कम 2-3 दिन तो बाहर ही रहेगा प्रेस करने वाला के यहाँ ही रहेगा। तो प्रेस कर लिए, उसके बाद फोल्ड नहीं किए, बेटा के पैंट में भी कर लिए और बेटी के स्कर्ट में कर लिए हैं, उसको तो वो तो आसानी से दोनों फोल्ड हो गया। शर्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले प्रेस को ऑफ कर दिए हैं, ऑन नहीं छोड़े हैं, सारे कपड़े में कर लिए, कपड़े प्रेस करके साइड में रख देते थे, उसके बाद प्रेस को ऑफ कर दिए, उसके बाद फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम 20 मिनट इतने में 15 मिनट समय बचेगा। तो बिजली बिल कम खपत हुआ ना, पहले प्रेस कर लीजिए, साइड में सब रख दीजिए कपड़े को, फिर बाद में जब ऑफ कर दीजिए प्रेस को, उसके बाद फोल्ड कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, पैसे का बचत होगा और समय भी बचा है आपका। और देखिए मैं बेडशीट में भी थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ। तो आप सब सोच रहे हो बेडशीट में प्रेस करना, हाँ थोड़ा सा बेडशीट में प्रेस कर दीजिएगा तो इसमें शाइनिंग आ जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है बेडशीट में प्रेस करना, ये कॉटन वाला है तो थोड़ा सा प्रेस कर देते तो शाइनिंग इसमें आ जाता है, बेड पर डालने में बहुत अच्छा लगता है बेडशीट, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा। और देखिए अगले टिप की तरफ चलती हूँ। तो आप पिल्लो कवर अगर अलग रख दीजिएगा, बेडशीट के साथ नहीं रखिएगा तो वो जल्दी नहीं मिलता है, वार्डरोब में रख दीजिएगा सारे कपड़े के साथ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो जल्दी जब ढूंढिएगा तो जल्दी नहीं मिलता है। तो बेडशीट के साथ ही आप इस तरह से रखिएगा, फोल्ड कर लीजिएगा, उसी के
साथ ही अंदर में फोल्ड करके रख दीजिएगा। तो जब भी आप ढूंढिएगा तो ये आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पिल्लो कवर तो बहुत छोटा रहता है, तो कोई कपड़े में ऊपर नीचे भी हो जाएगा। अब बेडशीट तो बड़ा रहता है तो ये तो आपको हमेशा दिखते रहेगा। तो इस तरह से पिल्लो कवर इसके बेडशीट के साथ रखिएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चलती हूँ अगले टिप की तरफ। तो देखिए, नमक आप अभी बारिश में रखते होंगे तो उसमें नमी आ जाती है, तो इसमें क्या कीजिएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें राजमा है ना, राजमा डाल देती हूँ। तो अगर 1 किलो या 2 किलो भी पैकेट में बड़े डब्बे में रख रहे हैं पैकेट को खोल के, तो आप इस तरह से स्टोर कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये नमक में ये रखने से बहुत अच्छा रहेगा। ये सिंधा नमक है, तो आप कोई भी नमक में रख सकते हैं, वाइट नमक या सिंधा नमक जो भी है आपके पास, तो इस तरह से रखेंगे तो ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगा। इससे नमी नहीं रहेगी, नहीं तो बारिश में भी गीला गीला हो जाता है नमक, तो इस तरह से रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो देखिए, ये विम जेल है, तो इसको एक बड़ा बोतल में है, तो बड़ा बोतल में है तो इस तरह से इसको लिक्विड ही सिर्फ लीजिएगा बर्तन धोने के लिए, तो ये ज़्यादा यूज होता है। तो इसको एक छोटा जो डब्बा इसका विम जेल का ही ख़त्म हुआ था पहले, तो उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा सा डाल दूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेने में भी बहुत आसानी रहेगा बर्तन धोने के टाइम, जब आप बर्तन वॉश करते हैं तो उस टाइम आप ये बड़ा बोतल से सीधे कटोरी में लेके इसको धोते हैं तो ज़्यादा यूज होता है। तो आप इसको छोटा डब्बा में, जो ये पहले यूज़ किए थे उसी का एक छोटा डब्बा है, तो उसमें थोड़ा सा डालती है। इसमें भर के भी आप पानी डाल सकते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। जब आप इससे समय भी बचत होगा और ये ज़्यादा यूज भी नहीं होगा, तो ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, तो इस तरह से कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसको पहले लिक्विड लीजिएगा, विम लिक्विड लीजिएगा, उसके बाद पानी तो डाल के ही धोना है बर्तन को, तो इसको पानी डाल के इसके मिक्स करके एक डब्बा में रख दीजिए। ये देखिए, आसानी से कटोरी में निकाल लिए हैं और जितने बर्तन वॉश करना है इससे आराम से कर लीजिए। तो डायरेक्ट लिक्विड कटोरी में नहीं लिए, क्योंकि उसमें भी तो पानी डालना है, उससे तो